फिर हेलो फ्रेंड्स, पोके मास्टर इज बैक विद अ न्यू एंड ऑसम अपडेट। तो भाई मुझे एक ऐसी अपडेट मिली है कि भाई मारो लचू का शेड्यूल अचानक से चेंज हो गया है और भाई इतना खराब और कितना बेकार शेड्यूल बनाया है इस बार मारो लचू ने। भाई पूछो ही मत, मेटल सीरीज का पूरा शेड्यूल खराब कर दिया भाई। पोकेमोन के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो भाई वेलकम टू बेब्लेड शॉर्ट न्यूज़। और बेब्लेड की अच्छी न्यूज़ थी, मैंने इसका नाम बेब्लेड शॉर्ट न्यूज़ रखा है, वरना तो मैं पोकेमोन शॉर्ट न्यूज़ भी रख सकता था। भाई आप लोग जैसे देख सकते हो, सबसे पहले आपको सुबह आपको पोकेमोन देखने मिलेगा कुछ करीब 6:30 बजे तक। फिर बेब्लेड जनरेशन 1 देखने मिलेगा आपको, मतलब वो टाइसन की सीरीज। फिर सुपर स्ट्राइकर्स, फिर से जनरेशन 2, पर इसकी टाइमिंग थोड़ा अलग है। फिर मेरा कुलस 12 बजे देखने मिलेगा आपको। फिर से 12:30 बजे जनरेशन 3, मतलब मेटल फ्यूरी नया एपिसोड आपको 12:30। उसके बाद दड़ी, फिर से सीजन 1 देखने मिलेगा 1 बजे से। फिर से उसके बाद 3:30 की जो टाइमिंग नया एपिसोड से, उसकी पूरी चेंज कर चुके हैं वो लोग। और फिर जनरेशन 2, फिर ब्लैक एंड वाइट, फिर जनरेशन 2, ऐसा उन्होंने बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन बनाया है भाई। पूछो ही मत, अभी मुझे इतना गंदा कॉम्बिनेशन है। पर भाई ब्लैक एंड वाइट और मेटल फ्यूजन, मतलब पहला सीजन, उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी बनाई है। आपको ब्लैक एंड वाइट पूरा ओवरनाइट देखने मिलने वाला है, मतलब पहले एपिसोड से देखने मिलने मिल रहा है थर्सडे तक तो आपको पूरी सुबह देखने मिलने वाली है। और नया एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ 12:30 बजे ही लगने वाले हैं। तो भाई कल ज़बरदस्त डे है भाई, आपका ही दिन है। तो भाई वेनसडे को ज़रूर देखना, ब्लैक एंड वाइट पूरा ओवरनाइट देखने मिलने वाला है आपको। और 12:30 बजे आप कंफर्म हो चुके हैं मेटल फ्यूरी की टाइमिंग, तो देखना। जिन्होंने मेटल फ्यूजन नहीं देखा है वो भी देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।